चलिए एक नया प्रश्न लेकर हम आए हैं आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न, और देखेंगे आप ये कैसे बनेगा। देखेंगे अच्छे से क्या प्रश्न है, किसका भार न्यूनतम है। आपको बताना है यहाँ पर कि लोएस्ट वेट जो है किसका होगा, किसका भार न्यूनतम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपके पास नाइट्रोजन के 2 ग्राम परमाणु। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कार्बन के 3×10^23 परमाणु। थर्ड ऑप्शन है सल्फर का 1 मोल और फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर का 7 ग्राम परमाणु। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से आपको क्या चॉइस करके बताना है कि किसका भार जो है, वेट जो है, वो कम है, न्यूनतम है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये कैसे बनेगा, उसके लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक हिंट बनाकर दे दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं ऐसे प्रश्न बहुत बार जो है एग्जाम में आए हुए हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे आप अभी सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे आप, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास नाइट्रोजन के 2 ग्राम परमाणु। ठीक है, अब देखेंगे आप ये फर्स्ट पॉइंट को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के 2 ग्राम परमाणु में कितने वेट होंगे, यहाँ पर कितना भार होगा उसका, 28 ग्राम। ये कैसे आया, तो अगर आप लिखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन N, तो इसका मास कितना होता है, इसका भार कितना होता है, वो होता है यहाँ पर 14 ग्राम, 14 ग्राम, राइट। ये हुआ कितने का, 1 का, और अब यहाँ पर कितना पूछा गया है, 2 ग्राम का। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, ये किसका है, ये है यहाँ पर 1 ग्राम का, 1 ग्राम का है ये, ठीक है, और आपसे पूछा गया है 2 ग्राम का, तो आप क्या करेंगे, इसे आप 2 से इंटू करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 28 ग्राम। ये क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, कार्बन के 3×10^23 परमाणु ये दिया हुआ है, इसको चेक करते हैं इसका भार कितना होगा। तो कार्बन के 6×10^23 परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है। अब ये कैसा आया, तो याद रखेंगे कभी भी अगर आपके पास यहाँ एटम दिया हुआ है, ऊपर में ध्यान देंगे आप, कभी भी अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है, परमाणु दिया हुआ है, तो एक्चुअल में परमाणु का भार कैसे देखा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग पढ़े हुए हैं पहले एवोगैड्रो नंबर, आपको याद होगा आपने पढ़ा था। एवोगैड्रो संख्या आपने पढ़ा हुआ था, इसमें होता है 6.023×10^23, अच्छे से लिख देते हैं 23 एटम, एटम मींस परमाणु। ठीक है, ये हमेशा होता है, ये चीज याद रखेंगे। तो मतलब क्या होगा कि कार्बन के 6.023×10^23 परमाणुओं का मास जो है, भार जो है, ठीक है, वो कितना है, तो याद रखेंगे कितना होगा, वो होगा यहाँ पर 12 ग्राम। याद रखेंगे ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका मास जो है आपको पता है कितना होता है, 12 ग्राम तो होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो ये कांस्टेंट है, इसे आप याद करके भी चलेंगे, है ना, ये वाला पॉइंट्स को आप अच्छे से याद करके भी चलेंगे कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब आ जाएंगे आप यहाँ पर कि क्या पूछा गया था। तो आपको पूछा गया था कार्बन के 3×10^23 परमाणु का भार, यहाँ पर भार पूछा गया ना। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, भार निकालेंगे। तो देखेंगे आप है 6.023×10^23 परमाणु का भार कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो कितने का निकालना है आपको, 3×10^23 परमाणु का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये देखो ये निकाल के बताया गया है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 6 ग्राम आएगा। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ, चेक कर लेंगे, आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो जबकि 6.023×10^23, ठीक है, एटम का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 12 ग्राम होता है, ये कांस्टेंट है, याद रखेंगे। तो कितने का फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है 3×10^23 एटम का फाइंड करना है। ये क्लियर हुआ। तो कैसे होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12×3×10^23 अपॉन 6.023×10^23। इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आंसर आपके पास, 6 ग्राम। ये हो गया आपका कार्बन का। अब देखेंगे आप यहाँ पर सल्फर का 1 मोल का। तो ये आपको पहले से पता है सी पॉइंट में कि सल्फर का 1 मोल का जो भार होता है वो कितना है,
32 ग्राम। सल्फर का मास कितना होता है 32 ग्राम, ये चीज आप याद करके चलेंगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से याद होना चाहिए। सल्फर अगर आप लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पर उसका 16, और मास नंबर कितना होता है 32 होता है, ठीक है, चलेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसका फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसका फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है, ये है यहाँ पर सिल्वर का 7.0 ग्राम, है ना, सिल्वर का 7 ग्राम दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी ये ग्राम में दिया है, मतलब ऑलरेडी आपको यहाँ पर इसका भार दिया हुआ है। अब आप चेक करेंगे नाइट्रोजन का 2 ग्राम परमाणु का जो आपने भार निकाला वो कितना आया था, यहाँ पर अच्छे से चेक करेंगे तो आया था यहाँ पर 28 ग्राम, ठीक है। चलिए इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर ये डार्क कलर में ऐसा, तो ये आपको नजर आ रहा है ये 28 हुआ, ठीक है। इसके बाद कार्बन का 3×10^23 एटम का कितना आया था आप निकाल के चेक किए थे यहाँ पर, ये 6 ग्राम आया था। 6 कितना आया था, ग्राम आया था। ये हो गया एक का आया है पहला वाला 28 ग्राम, फिर आया यहाँ पर 6 ग्राम। अब हम चेक करते हैं सल्फर का कितना मास आया था, तो सल्फर का तो कॉन्स्टेंट है, कितना आ जाएगा आपके पास 32 ग्राम आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद आ जाएंगे आप यहाँ पर सिल्वर का ऑलरेडी दिए हुए हैं ग्राम में भार दिए हुए हैं 7 ग्राम। अब बताएंगे आप क्या क्या निकाले हुए हो, तो फर्स्ट आपने कितना निकाला था, तो फर्स्ट आपने निकाला है यहाँ पर 28 ग्राम। सेकंड आपने कितना निकाला है, तो सेकंड आपने निकाला है यहाँ पर 6 ग्राम। थर्ड आपने कितना निकाला का 32 ग्राम, ठीक है। और फोर्थ कितना निकाला हुआ है आपने, तो फोर्थ है यहाँ पर 7 ग्राम। अब बताएंगे इसमें सबसे कम कौन है, सबसे न्यूनतम कौन है बताएंगे आप, ठीक है। तो 28, 6, 32, 7 इसमें सबसे कम कौन है, तो यहाँ पर सबसे कम कौन है यहाँ पर 6 ग्राम, मतलब आंसर क्या आएगा 6 ग्राम, राइट। और ये कौन सा है सेकंड नंबर पॉइंट, मतलब सेकंड नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कार्बन दिया हुआ है कार्बन का, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसको चेक कर लेंगे अच्छे से, यह आएगा आपके पास कार्बन के 3×10^23 परमाणु, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करके बनाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो आपकी स्पीड जल्दी जल्दी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे बनाना है। तो बनाते बनाते आप देखेंगे प्रैक्टिस करते करते आपको ये ऐसी याद हो जाएगा और आपको ये इतने सारे लिखने की आवश्यकता भी वहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।